बच्चों कैसे हो बेटा? फाइन। तो पेपर की तैयारी करते करते बिल्कुल बोर हो गए थे, हैं? तो आज यहाँ आके कैसा लगा? हैं? तो आज तो बरसात भी हो रही थी, तो आनंद उठाया उसका? क्या क्या किया बताओ विजय? पूरे लिए श्रेयांश, तुम तो लेट गए थे जमीन पे, तो तुम्हारी पिके वायरल कर दी जाए? ईसा बताओ, पेड़ पे चढ़ गए? अंशिका, तुम तो पहले आ नहीं रहे थे बेटा। हाँ यस सर, ठीक है। यस सीलू, तुम कहाँ? उन्नाव से? कहाँ से आया? कन्नौज से चल के आया। वेरी गुड वेरी गुड। और हमारे सामने नैन्सी, यस जिसको हम प्यार से टीसी बोलते हैं, सौम्या, अंशिका और सिद्धांत। और सबसे अच्छी बात है नालायकों, तुम लोग देखो, मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि हमारी एक बच्ची जो 93 में सेलेक्ट हुई थी, आज हमसे मिलने आई जौनपुर से। ये इत्तफाक है, इत्तफाक है कि नहीं? ये कोई प्लान नहीं था ना? और मजे की बात है, देखो मिठाई के साथ। तो तुम लोग बताओ, हमें मिठाई खिलाओ कि नहीं सेलेक्ट होने के बाद? हैं? हाँ तो बेटा बहुत बहुत बधाई, सिंस वी आर मीटिंग आफ्टर 28 ईयर्स। ओ माई गॉड, देख लो बेटा, हल्के मत लेना हमको। तो 28 साल बाद बहुत अच्छा लग रहा बेटा, गॉड ब्लेस यू। आप आए कैसे अपने बेटे को लेके? क्या नाम है भाई? हैं? तो दीदी मम्मी की तरह सेलेक्ट होना है? वेरी गुड। तो जनरेशंस पढ़ रही, मतलब यहाँ पे हैं 93 एंड 2021। तो ये जर्नी अभी कहाँ तक चलेगी भाई? थैंक यू। क्या पता तुम लोगों के बच्चों को भी पढ़ा दे यार। हाँ तो इतने दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं बेटा, कैसा लग रहा मिलके ये बताओ? क्योंकि मुझे लगा आप जौनपुर से आए, हमने कहा कि हम यहीं पे, आप यहीं पे आ गए। सर, वो एक एक्साइटमेंट होता है ना कि अपने इतने पुराने टीचर को मैं मिलने जा रही हूँ, स्पेशली जिनसे हम लोग इतना अटैच थे, और आज अपने बेटे को लेकर मैं सिर्फ उनका गाइडेंस और उनका जो इतना जो वे ऑफ टीचिंग इतना बेटर था कि मैं पूरे यूपी में, भाई जाहिर है कि मैं इस वक्त कानपुर में नहीं हूँ, लेकिन मैं कानपुर ही मैंने सेलेक्ट थैंक किया यू बेटा, सिर्फ तुमने मुझे इमोशनल कर दिया, सिर्फ अपने एंड टीचर की माई वजह से। माई आईज आर फीलिंग विद टीयर्स। और बहुत ही इमोशनल बात है। अच्छा उस समय तुमसे मजाक में करते कि बेटा तुम भी सेलेक्ट होगे तुम्हारे बेटे को भी पढ़ाएंगे। है ना, बड़ा अजीब इत्तेफाक है ना। ठीक सर, ये है। मजाक है वो एकदम, हाँ जैसे आज आप इन लोगों से कह रहे हैं कि आपके बच्चों को पढ़ाएंगे, तो कल ये भी रियली होने अरे बाप रे वाला बाप, अरे बाप रे बाप। थैंक यू बेटा, एक तो हम लोग जो आए थे आपने उस खुशी को कई गुना कर दिया, सर। मुझे भी और बहुत अच्छा मुझे लगा, बहुत ही, आई एम फीलिंग वेरी, सर मुझे भी बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हो रहा है कि इतने सालों बाद भी हमारे सर का वही अटैचमेंट है हाँ हमारे बच्चों के हमारे, अलावा क्या है भाई। जी जी और इतने सारे स्टूडेंट्स जो वुड बी डॉक्टर्स मुझे मिल रहे हैं, वो और भी अपने आप में बहुत ही प्लीजिंग थिंग, तो बहुत अच्छा लगा मुझे सर यहाँ थैंक पे यू आने बेटा। पे, बहुत अच्छा लगा। और अब तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ती है कि तुम अच्छे से खूब और तैयारी करोगे, बोलो, प्रॉमिस यस करो। आई प्रॉमिस। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो बच्चों हम लोगों की जो मीटिंग थी, हमने बच्चों से जानना चाहा, थोड़ा सा सेल्फी सुना कि लोगों से थोड़ा सा कुछ निकालूं कि और क्या अच्छा कराया जाए। तो सीलू बताओ एक लाइन में, अगर तुम अपने सक्सेस को बताना चाहते हो कि इस वजह से सेलेक्ट तो हो ही जाओगे, 646 नंबर आ रहे हैं, 600 तक मेरिट जानी है, 590 तक जानी है, तो ये बताओ एक लाइन में क्या सजेस्ट करते हो जो तुम्हारी फ्यूचर जनरेशन आ रही है? सर मैं इतना ही सजेस्ट करना चाहूँगा, एनसीईआरटी के अलावा तो कुछ टच करना ही नहीं है, जो टीचर्स बोलें बिना कुछ एनालाइज करके उसको सीधे एक्सेप्ट करना है, और तो टेस्ट, टेस्ट तो सारे देने हैं, टेस्ट के अलावा मतलब टेस्ट तो कोई छोड़ना ही नहीं है, टेस्ट अगर छोड़ दोगे तो बहुत दिक्कत होगी बाद में। थैंक यू बेटा। तो आपके टाइम पे जैसे रमेश गुप्ता एमपी कौशिक थी, अब वैसे हो गई एनसीईआरटी। हाँ थोड़ा एग्जामिनेशन फेयर हो गया, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ गई। यस नैन्सी बेटा, कैसा लगा तुम्हें आके, आप ये बताओ? सर बहुत 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 अच्छा, जैसा आपने फोन में बोला था अगर नहीं आओगी तो मिस करोगी, तो वो हमें हाँ लग रहा है कि अगर हम सच में आगे नहीं भी आते तो आकांक्षा लड़ बहुत रही, पता कुछ नहीं मिस क्या कर क्या इन लूं। लोगों को मैसेज कर रही है जौनपुर से। यस सर, बहुत हाँ ही अच्छा लगा। ठीक है।
तो नैन्सी, पहले तो बेटा बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। कि पिछली बार सिर्फ एक बच्चे के नंबर 355 थे, तो बार बार बोलते थे आशुतोष गुप्ता 355, आशुतोष गुप्ता जिंदाबाद 355। तो तुम लोगों तो इस बार बिल्कुल उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। कितने बायो में आ रहे बेटा? 360। क्या बात है भाई, क्लैप करिए आप लोग। 360 बाई 360, गजब गजब गजब, बहुत अच्छा। तो ऑल द बेस्ट बेटा, थैंक यू। एक लाइन में बताओ कि हमने शायद टेस्ट आप लोगों का 10 पेपर कब था नीट का? सर 12 सितंबर। 12 तारीख को नीट का पेपर था, और मेरे जैसा देखो कुछ पागल इंसान कि हमने 10 तारीख को टेस्ट करा दिया। क्यों करा दिया? क्योंकि मुझे लग रहा था घर में बैठ के डिप्रेस हो गए, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। और 10 तारीख को भी आप लोग पेपर देने आए ना, तो 10 वाला पेपर दिया था। तो क्या लगा ये बताओ, लास्ट में पेपर कराना चाहिए कि नहीं? सर लास्ट के पेपर आप बीच में अगर एक दो मिस कर रहे हो भी जाएगा, लेकिन लास्ट में अगर मिस कर रहे हो वो बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि घर में बैठ के आपको पता नहीं होता कि हमें कितना याद है कितना नहीं, वो टेस्ट देके ही पता चल रहा है। बायो का पेपर कितनी देर में निपटा दिया था बेटा? सर 30 मिनट्स बस है? हाँ सर, क्योंकि लाइन बाय लाइन था, इतनी बार आपसे वो लाइनें सुन चुके थे रैपिड फायर में, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं हो रहा था कि इसका रैपिड फायर कंटिन्यू करना चाहिए। यस सर बिल्कुल। और जो नहीं देख रहे हैं वो मतलब वो उनको लगता है टाइम वेस्ट है, इससे ज्यादा जल्दी हम कर लेंगे, बहुत गलत चीज है। आप कैसे भी सुनो, कहीं से भी टाइम निकाल के, लेकिन उसको सुनो। तो चलिए फिर हम आज ये करते हैं कि रैपिड फायर हम अभी से शुरू कर देते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। टीसी, तो तुमने कविता लिखी थी, क्या लिखी थी वाली कविता, जरा बताओ दो लाइन। आज इनका दिन है, कल मेरा भी होगा, बस दो लाइन बता दो। सर देखनी पड़ेगी। हाँ बस एक लाइन सुना दो यार, तो हमें याद होगा, तुम्हें तो नहीं याद। कल उनकी बारी थी, जल्दी मेरी भी आएगी, जल्दी सफलता मेरी भी पीठ थपथपाएगी। क्या बात है। यस सर। आ गई। यस सर। तो अब इसमें एक लिखो तो। हाँ सर। तो टीसी बहुत बहुत बधाई, तुम्हारा तो बेटा पूरा ग्रुप सेलेक्ट हो गया। हाँ सर। मतलब 7 के 7 चले गए कॉलेज के अंदर, 8-9। जबरदस्त। तो टीसी ये बताओ कि एक लाइन में बताओ कि अपने फ्यूचर कमिंग लोगों को क्या बोलना चाहते हो? सर कम्प्लीटली एनसीईआरटी फॉलो करें, और जैसे आप कहते थे कि टेस्ट में जो मिस्टेक्स उनको एक जगह नोट डाउन करें, और नेक्स्ट टेस्ट में ट्राई करें कि वो मिस्टेक्स दोबारा रिपीट ना हो, और अपने मिस्टेक्स को धीरे धीरे कम करते जाएं। और बस जैसा आपका वैसे फॉलो करें, बस टेस्ट के बाद जो गलती होती है उसको डायरी में नोट करें, और अगले टेस्ट में वो गलती ना करें। सौम्या, तुम नाम से इतनी सौम्य हो, इतनी सीधी सादी क्यों चुपचाप बैठी, कुछ बोलो। तो अच्छी बात है कि सौम्या ने हमें एक डायरी गिफ्ट की है, और रैपिड फायर में अब इसके डायरी से ही सवाल पूछेंगे। बहुत अच्छा कलेक्शन इसने किया है, सारी डिजीज सारे डेटा। वेरी गुड बेटा, थैंक यू। सौम्या कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है आज। तो तुम आने वाले नहीं थे, तुम्हारे वैक्सीनेशन का वो था। यस सर। कैसा लगा के? सर बहुत अच्छा लगा, नहीं आते तो मिस हो जाता ना, और फिर ये टाइम कभी नहीं आता। यस सर। तो अब ये बताओ, एक लाइन में बताओ कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या बोलना चाहोगे? उनके लिए बस इतना बोलना चाहती हूँ कि एनसीईआरटी की हर एक लाइन पढ़िए, उस पे हमेशा फोकस करिए, और सर का रैपिड फायर जरूर अटेंड करिए। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू बेटा। कितना आ रहा है स्कोर, कितना आ रहा है? 640। हाँ भाई चावला साहब, तो अंशिका ये बताओ, पहले बताओ बायो में कितने आ रहे हैं? 360। अरे वाह, गजब 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 गजब, 360। और 12th भी तुमने एक साल पहले ही किया? Yes, sir. बोले थे बॉटनी बहुत वीक है, तो कैसे कर लिया इतना इम्प्रूवमेंट? सर सिर्फ एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की लाइन ऐसे पढ़नी चाहिए कि जब वो लाइन आए सामने तो पेज भी सामने आए कि कहाँ क्या लिखा था। अच्छा, कभी कभी रैपिड फायर में ये भी पूछती थी इसे लिखी कहाँ है, पेज नंबर। और जो गूगली होती थी? सर वो तो बहुत हेल्प करती थी, मतलब जो ऑप्शंस कई बार कंफ्यूजिंग बनते हैं एग्जाम्स में, वो फिर कंफ्यूजन होता नहीं था, गूगली से काफी हेल्प होती है। तो बायो में 360 आ गए तुम्हारे? यस सर। अरे भाई गजब भाई, बधाई हो, तुमने हमको ऊपर कर दिया। अब अंशिका ये बताओ, बायो पर कितनी देर में सॉल्व कर लिया था? 30 मिनट्स। तो बच्चों बायो का पेपर 30 मिनट में सॉल्व करने का फायदा क्या है? मैच तो अब 2020 का है ना, 2020 का मैच है, 2.5 घंटे में 200 सवाल करने हैं। तो बायो का पेपर, बायो अच्छा करने से फायदा ये, बायो का पेपर अच्छा कर लेंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए टाइम मिल जाएगा। बैठ जाइए, आ जाओ सिद्धांत। क्या आ रहा बेटा स्कोर? सर मेरा स्कोर 617 आ रहा। 617। यस सर। क्या बोलना चाह रहे हो अपने जूनियर्स को? सर जूनियर्स को यही बोलना चाह रहे हैं कि एनसीईआरटी पे फोकस करिए,
बाकी आपकी गाइडेंस तो लेते रहते हैं सर, बाकी यूट्यूब से अब सर आपको सब लोग देख सकते हैं। और बाकी जो आपके पास, अगर आपके पास एक ग्रुप है फॉर सेल्फ स्टडी, मतलब आप ये कह रहे हो कि बच्चों को अपना ग्रुप एक बनाना हाँ, चाहिए। मतलब सेम सेम मतलब ग्रेड के लोग, सब लोग मिलके अपने आसपास जो भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं, बारीक बारीक पॉइंट्स मिल रहे हैं एनसीईआरटी के, तो सब लोग अपना आपस में चलो शेयर सर, कर सकते हैं। आप तो मौज करो, सेलेक्ट होने जा रहे हो। जी सर, थैंक यू। घर में अभी डांट पड़ रही है, थोड़ी कम हुई सर, थोड़ी सी कम हुई है। हाँ, रिजल्ट के बाद पूरी कम हो जाएगी। ठीक है अंशिका बेटा, क्या हाल है बच्चा? हैं, तो कैसा लगा कि पहले ये बताओ। अब पापा को बोलना नहीं पड़ेगा सर ने बुलाया है। हैं, अच्छा हम बुलाएंगे तब आओगे ना बेटा, तुम्हें तो ठीक है। अब बताओ बेटा कि इतना अच्छा स्कोर करने के बाद कैसा लग रहा है बेटा। सर अच्छा लग रहा है। मतलब पहले पेपर से पहले बहुत डर था कि अब क्या होगा, अब एक बार पहले दे चुके हैं उसमें नंबर कम थे, अब इस बार क्या होगा, कहीं खुदा न मतलब जाने क्या होगा। हाँ हाँ तो पर अब अच्छा लग रहा है जब काउंट कर लिए अपने नंबर। वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा। अब मैं आपको बोल रहा था कि आप जहाँ कहीं भी जाएंगे, किसी कॉलेज में जाएंगे, कोई ना कोई मेरा बच्चा जरूर मिलेगा और आपसे पूछेगा भी सिंह सर के यहाँ से कौन आया है ना। तो ये हमारी जो बच्ची है जो 93 में सेलेक्ट हुई है ना, इस तरह के बहुत सारे बच्चे आपको मिल जाएंगे जर्नी में। तो अच्छा लग रहा बहुत। ईसा बेटा ये बताओ, हाउ इज द जर्नी फ्रॉम कोटा टू कानपुर। बढ़िया बढ़िया व्हाट इज डिफरेंस इन कोटा एंड कानपुर। सर, कोटा एंड कानपुर डिफरेंस सर ये बोलेंगे कि कानपुर में थोड़ा फोकस्ड है चीज़ है कि जो चीज़ पूछी जा रही वही पढ़ता है। कोटा में भी अच्छा है लेकिन थोड़ा बहुत सा सारा मेरे जैसे बच्चों के लिए, मतलब हम रिवीजन उतना कर नहीं पाए थे। मतलब एम्स के लिए ठीक है लेकिन नीट इज़ वेरी फोकस्ड, तो यहाँ पे वो चीज़ आ गई। बड़ा अजीब लगता है हमको ना जब यहाँ का बच्चा कोई जाता है ना, जैसे अपना घर का बच्चा रूठ के चला जाए। ये चीज़ें सही हो जाएंगी। और बच्चों मेरी शुरू से आदत रही कि मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ाने में बिलीव नहीं करता। टीचर के पास तो बच्चा इसीलिए जाता है ना कि उसको कम मेहनत में उसको मंजिल मिल जाए, ठीक है। और जो बच्चे सेलेक्ट होने जा रहे हैं, अगर हम लोग उसका रेशियो देखेंगे तो बहुत अच्छा है किसी भी जगह से, ठीक है। थैंक यू ईसा। घर के बच्चा, घर से बच्चा रूट के कोटा गया, कोटा से फिर कानपुर आया, कानपुर से कॉलेज जा रहा है, गुड। यस श्रेयस, तुम्हारा तो पूरा खानदान डॉक्टर है यहाँ से। अभी बताओ कैसा फील यस कर रहे सर, हो, सब बहुत अच्छा फील कर रहे हैं सर। क्या राय देना चाहते हो अपने जूनियर्स को। सर हम सिर्फ एक बात कहना चाहेंगे, एक या दो बात, कि आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, कोई और आप पे भरोसा करे ना करे, आपको अपने ऊपर भरोसा होना क्या बात चाहिए। है, गजब। और कई बार बच्चे पढ़ाई की वजह से अपनी नींद स्किप कर देते हैं, मतलब कि बहुत ही कम नींद लेते हैं, तो इस सिचुएशन में आपसे बहुत सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं अगर आप अपनी नींद पूरी नहीं करेंगे, तो आपके लिए नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको पूरी करें। यस सर, क्योंकि जब नींद पूरी करेंगे तभी ब्रेन को यस रेस्ट सर। मिलेगा, तभी वो काम करेगा। स्कोर कितने थे श्रेयस तुम्हारे। 667 667। तो हमने सुना है कि तुम बहुत ज़्यादा पैसा वैसा कमाना चाहते हो ज़िंदगी में, हैं ऐसा। चलो हर बच्चे का ये होता है। तो श्रेयस ये बताओ कि जो हमने सुपर रैंकर बैंक की जो बैच की जो स्ट्रेटजी थी, करीब आपके बैच से 90% बच्चे सेलेक्ट होने जा रहे हैं और जो बच भी रहे हैं 585 575 के नीचे तो कोई नहीं, 580 के ऊपर है, हो सकता है 585 तक भी मिल जाए। तो अभी तक जो स्ट्रेटजी है बेटा, उसमें क्या चेंज चाहते हो जो तुम लोग नहीं बोल पाए, जो हमें करना चाहिए। सर जो स्ट्रेटेजी सुपर रैंकर बैच में चल रही थी कि पढ़ाया कम जाता था, प्रैक्टिस ज़्यादा कराई जाती थी, वो बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है। बस एक चीज़ अगर ऐड हो सकती है तो ये हो सकती है कि जब टीचर्स अपना टॉपिक कंप्लीट करें तो एक बार एनसीईआरटी से भी वो एक बार देख लें, वेरी गुड, तो बहुत मेहनत बहुत वाली सही लिया ये स्ट्रेटेजी है। टीचर एनसीईआरटी से कराएंगे, थोड़ा हाइपोथैलमस बड़ा हमारा, क्योंकि मेरे जो धन है ये तो देख रहे हो ना, हमारे ये जैसे बच्चे हैं सब, या तुम लोग आ रहे हो 93 से लेकर अभी तक, या 84 से लेकर अभी तक। तो बच्चों कैसा लगा दिन, हाउ वाज द डे, फाइन। तो यू वांट टू रिपीट दिस डे अगेन। तो हम लोग बेटा फिर मिलते हैं जब एनटीए की आंसर की आ जाती है। तो मैं अपने उन सारे प्यारे बच्चों से बोलना चाहता हूँ कि जो नीट 2022 में क्रैक करना चाहते हैं, बहुत आसान है नीट में सिलेक्शन, इतना आसान है जिसका कोई मतलब नहीं,
लेकिन आपको कान को ऐसे पकड़ना है, दाएं बाएं नहीं करना है। कुछ गलतियां मुझसे भी हुई इस बार के, मैं कन्फेस कर रहा हूं कि जैसे जो रिड्यूस्ड और डिलीटेड सिलेबस का कंसेप्ट आया, लगा कि एनटीए के डायरेक्टर एजुकेशन मिनिस्टर जो बोल रहे हैं सही होगा, लेकिन पेपर पूरा सिलेबस है। हम लोगों ने, हमें लगता है टेस्ट तो आपका पूरे सिलेबस से करा ही दिया था और रैपिड फायर भी पूरे सिलेबस से हो गया था। तो फिजिक्स का पेपर इतना होने के बावजूद मेरी टीचिंग की हिस्ट्री में सीपीएमटी में होता था, पहले 10 में 8 पोजीशन बच्चे होते थे, लेकिन जब से नीट ऑल इंडिया हुआ तब से इतना अच्छा रिजल्ट नहीं हुआ। और बच्चों, आप सबको बिल्कुल दिल से ब्लेसिंग मेरे प्यारे बच्चों, आपने मेरी ज़िंदगी बढ़ा दी, आपने मेरी ऊर्जा बढ़ा दी, आपने मेरी उम्र बढ़ा दी, और आपने के काम ने मुझे जज्बा दे दिया कि मैं और अच्छे से पढ़ाऊँ। ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल अपना न्यू लाइट का टेस्ट हुआ, 360 मतलब 355 वालों की बारे में तो कोई इज्जत ही नहीं इस बार है। अब 360 में कितने, करीब 2 दर्जन बच्चों के नंबर हैं। अब देखिए, हमने 3 मिशन बनाए थे, अब की बार 200 पार हो गया, और क्या था भाई, 350 प्लस, हाँ 350 प्लस बायो में, वो भी हो गया, और अब की बार 700 पार। अब जरा देखो, मैसेज आ रहा, हो सकता है वो भी कंफर्म हो, क्या पता, अच्छी चीज थोड़ी तड़पा के मिलती है ना आपको। तो थैंक यू बच्चों, आप लोग अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे नीट के रिजल्ट के बाद, और मुझे लगता है जिस कॉलेज में भी जाएंगे वहाँ पे कोई ना कोई आपको सीनियर जरूर मिलेगा। और न्यू लाइट इज नॉट इंस्टीट्यूट, इट इज ए फैमिली, आप सब मेरे बच्चे हो, ठीक है ना। तो एज ए गार्जियन, एज ए फादर, किसी भी तरह की इस जर्नी में कहीं कोई दिक्कत हो तो आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि हमारे बच्चे लोग हर जगह फैले हुए हैं, है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटा, आपके आने से और मजा आ गया आफ्टर 28 ईयर्स। हाँ, तो बच्चों आप सब लोग ऑल दी बेस्ट बोलो उन बच्चों के लिए जो नीट 2022 में अपियर हो जाने जा रहे हैं। ऑल दी बेस्ट बच्चों, ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।